नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि अंडा वेज है या नॉन वेज। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये नॉन वेज कैटेगरी में आता है क्योंकि अंडा मुर्गी देती है। ये सवाल तो आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा कि आखिर अंडा वेज में आता है या नॉन वेज में। तो चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। साइंटिस्ट्स ने इसका सही जवाब ढूंढ निकाला है। शाकाहारी लोगों का मानना है कि अंडा मुर्गी से आया है, इसलिए मुर्गी नॉनवेज है तो अंडा भी नॉनवेज है। लेकिन आपको बता दें कि साइंस ये कहती है कि दूध भी जानवर से आता है, तो वो कैसे शाकाहारी हो सकता है। लोग सोचते हैं कि अंडे से चूजा निकलता है, इसलिए ये मांसाहारी है, जबकि बाजार में मिलने वाले सारे अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, यानी इन अंडों में से कभी भी चूजे बाहर नहीं आ सकते। इस बात की गलतफहमी दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने भी साइंस के जरिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। साइंटिस्ट्स के मुताबिक अंडा शाकाहारी होता है। अंडे में तीन लेयर्स होती हैं। पहला छिलका, दूसरा सफेदी और तीसरा अंडे की जर्दी यानी कि योक होता है। योक मतलब पीला वाला हिस्सा। अंडे पर की गई एक रिसर्च के अनुसार अंडे की सफेदी में सिर्फ प्रोटीन ही होता है, जिसमें जानवर का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं होता। इसलिए तकनीकी रूप से एग वाइट्स यानी अंडे की सफेदी वेज होती है। एग वाइट की तरह ही एग योक यानी जर्दी में भी प्रोटीन के साथ कोलेस्ट्रॉल और फैट अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। अंडा मुर्गी और मुर्गे के संपर्क में आने के बाद ही आता है। उनमें गैमीट सेल्स होते हैं जो उसे मांसाहारी बना देते हैं, जबकि बाजार वाले अंडे में ऐसा कुछ नहीं होता। मुर्गी 6 महीने की होने के बाद से अंडे देने लगती है। वो हर 1 या 1.5 दिन में अंडे देती है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मुर्गी किसी भी मुर्गे के साथ संपर्क में जरूर आए। इन अंडों को ही अनफर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इनमें से कभी भी चूजे नहीं निकल सकते, इसलिए अंडे को आप वेजिटेरियन ही मानकर चल सकते हैं। सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।